مت چاہے مل سے ہے.
Thank you.
ترجمة
इस बार तो जींद का प्रोग्राम भी है जी भाई जींद गरीब वालों का साथ में जींद में महाराज जी के कई साल बाद जाएंगे अग्रसेन भवन नाम जाने थे वो गुद्धम साला कोई भवन है कोई लगाल भवन साहब क्या दिन का 3 दिन का सदगुरुदेव भगवान की जय परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय योगिराज जी महाराज की जय श्री सिद्ध गुफा स्वामी राम की परम योगिनी मामा शक्ति जी की जय अनुपुर धाम की जय नेपाल धाम की जय सवाई धाम की जय श्रीकेश धाम की जय हर हर महादेव आगरा वाले गुरु जी की जय भजन सुना दो आजा भाई तेरे बिना तो सूना हो रहा है मामला हे गुरुदेव हमसे कोई गलती न होवे हे गुरुदेव हमसे कोई गलती न होवे करूं प्रार्थना सब कोई गलती न होवे करूं प्रार्थना सब कोई गलती न हो जन्मों से भटकते शरण तुम्हारी आए जन्मों से भटकते शरण तुम्हारी आए बड़ी मुश्किलों से शरण तुम्हारी पाए बड़ी मुश्किलों से संभालो हमें आकर कोई गलती न होए संभालो आकर कोई गलती न होए करूं प्रार्थना सब कोई गलती न होए करूं प्रार्थना सब ये मन बड़ा चंचल कराता खुराफा ये मन बड़ा चंचल कराता खुराफा बस करे एक चिंतन तुम्हारा ही दिन रात कोई गलती न होवे करो प्रार्थना सब कोई गलती न होवे न सोचे हम मन से किसी का बुरा हो न सोचे हम मन से किसी का बुरा हो यही बात सोचे कि सबका सोचे सबका भला हो संभालो हमें आकर कोई गलती न होवे संभालो हमें आकर कोई गलती
कोई गलती न होवे करो प्रार्थना सब कोई गलती न होवे इस वाणी से बोले सदा मीठी वाणी इस वाणी से बोले सदा मीठी वाणी कहे ना किसी को कभी करे भी वाणी कहे ना किसी को कभी करे भी वाणी शमानो हने आकर कोई गलती न होवे समारो हने आकर कोई गलती न होवे करो प्रार्थना सब कोई गलती कर्म ऐसे जो आप को भाए करे कर्म ऐसे जो आप को भाए न हो दोष कर्म कोई जो पुण्य घटाए कोई गलती न होवे समारो हमें आकर कोई गलती न होवे करो प्रार्थना सब कोई गलती न होवे करो प्रार्थना सब कोई गलती न होवे हो सब कर्म ऐसे जो ना सर कर्म ऐसे जो ना शर्माऊं ना पड़े मुखे छिपाना देखूं और दिखाऊं ना पड़े मुखे छिपाना देखूं सब कोई गलती न होवे करो प्रार्थना हम सब ही तुम्हारी शरण गुरु वर आए हम सब ही तुम्हारी शरण गुरु वर आए हम सब ही प्रतिदिन गुण तेरे गाए सब प्रतिदिन गुण तेरे गाए ए संभालो हमें आकर कोई गलती न होवे संभालो हमें आकर कोई गलती न होवे करूं प्रार्थना कोई गलती न होवे करूं प्रार्थना कोई गुरुदेव हमसे कोई गलती न होवे गुरुदेव हमसे कोई गलती न होवे करो प्रार्थना कोई गलती न होवे करो प्रार्थना कोई गलती न होवे हे सुरे साचे दरबार की जय प्रबल प्रेम के पाले पर कर
Thank you.
दिखाओ जल्दी दिखाओ बोलो सतगुरु भगवान की जय महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय योगिराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय श्री अलपुर धाम की जय परम योगी श्री महामाशी की जय संजय जी महाराज महाराज سوف يقول لك बोलो सतगुरुदेव भगवान की मेरा दिल आपका घर हुआ मेरा दिल आपका घर हुआ आते जाते रहा Thank you.
हर पल अलोइए रहूं ऐसी ऐसी मुझको सता योगेश्वर प्रभु जी की बात
Thank you.
उनके चरणों में जुड़ जाता है संसार में ही नहीं ऊपर ब्रह्मांड में भी उसका आदर सम्मान मिलता है क्योंकि उसमें देवता लोग देख लिया करते हैं प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की मोहर लग चुकी है तो जल थल और आकाश कभी उसका जाप चल रहा है ना भगवान ने क्या कहा उस जप के लिए गीता में यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि अर्जुन तू यज्ञ है लकड़ी करना इकट्ठी करना हवन करना सामग्री डालना शुद्ध आसन बिछाना लीपा पोती करना फिर वो यज्ञ करना वो यज्ञ नहीं बहुत नाम के यज्ञ है कौन सा यज्ञ असली यज्ञ कहा भगवान ने जप यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि जो श्वास श्वास में जाप चल रहा है कबीर साहब क्या कहते हैं माला फिरत युग भयो गयो ना मन को फिर करका मन का डाल के मन का मन का फिर ये बाहर का बहुत हो गया ये पूजा पाठ वगैरह है ना इसमें भैरव की रह गया तू जब सदगुरु कृपा हो जाती है हमारे श्रवण को देखते हो हर समय डूबे रहते हैं इसे कहते हैं क्या करका मन का डाल के मन का भेद न पोथी पढ़ना कुछ पढ़ना इनको क्योंकि हर समय अंतर्मुखी है डूबे रहते हैं तो करका मन का डाल के मन का भेद भाग का बहुत हो गया
अब भीतर डूब सद्गुरु क्या करते हैं, सद्गुरु भीतर प्रवेश करा दिया करते हैं, और जैसे जैसे उसका ये बढ़ता रहता है वैसे ही वैसे उसके अंदर भी उनका प्रवेश रहता है बढ़ता रहता है, और कोई समझ भी नहीं पाता अंदर से ये कहां पहुंच गया है। क्या कह रहे हैं प्रभु जी, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी क्या बताऊं, जब वो प्रेग्नेंट थी ना तो उसके पेन हुए, तो पेन हुए उसको डिलीवरी के लिए ले गए और उसके बच्चा हो गया। कैसे हुआ, नॉर्मल। और प्रभु जी कृपा देखो घर में क्या हो रहा था, अखंड रामायण चल रही है, हर 15 दिन बाद अखंड रामायण बच्चा जो आया वो रामायण सुनता सुनता ही आया। पेट में कहते हैं ना, माँ के पेट में बच्चा होता है, माता जैसा उस समय करेगी, अगर माता मोबाइल चला रही होगी तो बच्चा मोबाइल चलाना पेट में सीख जाएगा, है ना। माता लड़ाई झगड़े वाली होगी तो बच्चा वही सीख जाएगा। माता खट्टा मीठा मिट मसाले खाने वाली होगी तो बच्चे को उसका असर पड़ेगा। उसने शास्त्र में पहली गुरु माँ बताई है, तो उनने रामायण सुनी, अखंड रामायण हुई, लेकिन उसके पेन हुआ और नॉर्मल डेलीवरी बच्चा पैदा हो गया। सब कहते ऑपरेशन होगा कि नॉर्मल डेलीवरी हो गई। अब मान लो क्या हुआ उसके बाद, बच्चा तो इतना बड़ा था, फिर उसके कुछ दिन बाद दोबारा दर्द हुआ, फिर दर्द हुआ दोबारा। अब दर्द काहे का है, डॉक्टर के पास बिल ले गए तो मालूम पड़ा, उस वक्त भी पड़ा क्या था उसके अंदर, 2.5 किलो की गांठ। यहाँ पे 2.5 किलो की गांठ थी, अगर उस समय डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसको निकाला दिखाया, अगर वो गांठ बच्चे के समय दिख जाती या पहले उसको काटते कुछ करते तो बच्चे पे भी असर उसका, माँ पे भी पड़ जाता। देखो दरबार का चमत्कार, दर्द हुआ तो उस समय काय का हुआ, बच्चा होने का, और दोबारा उसके होने के बाद नॉर्मल डेवरी अगर नहीं होती ऑपरेशन का तो भी दिक्कत हो जाती, सेप्टिक फेल था वहां पे चक्कू लग जाता। ऐसे प्रभु जी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। क्या कहा, बड़े भाग से प्रभु जी का दरबार, बड़े भाग से I'm gonna make it.
सत्संग अष्टमी के ऊपर आम देते हैं, सत्संग रात्रि का होगा, रात को अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, नो भेद भी सुनाना, अच्छे अच्छे आनंद आएगा, खूब आनंद लेंगे। आज आज का सत्संग है ना, अभी आरती करने की दीक्षा ही देंगे, झरना पटना से सतगुरुदेव भगवान की। ज्ञान विराट